बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी खैर खैरियत से हैं। तो आज हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं फ्रेश बीन और आलू। सबसे पहले हमने फ्रेश बीन काट ली हैं अच्छी तरह से धो के। उसके बाद हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने एक कप ऑयल का लिया है। एक कप ऑयल डालने के बाद हमने एक अदद प्याज दरमियानी साइज़ का ले लिया, वो काट के हमने इसके अंदर ऐड किया है। ऐड करने के बाद हम उस वक्त तक इसे पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। प्याज माशाल्लाह से हल्का गोल्डन हो चुका है, इसमें हमने अब अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। साथ में हमने कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम टमाटर तकरीबन आधा किलो वो इसमें हमने ऐड करने हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट गोल्डन हो चुका है, अब इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं। नमक 2 बड़े चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ और दालचीनी 2 बड़े चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, सूखी धनिया पिसी हुई 2 से 3 चम्मच, सुर्ख मिर्च 2 बड़े चम्मच, साथ में हमने हरी मिर्चें और टमाटर तकरीबन 4 अदद हमने टमाटर लिए थे वो काट के हमने गोल्डन हुए प्याज में ऐड करनी है और कुछ देर तक हम इन्हें भूनेंगे ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाए। साथ में हमने फ्रेश बीन इसमें कटी हुई डालनी है। साथ में हमने 1/2 किलो आलू लिए थे वो भी दरमियानी साइज के हमने काट लिए हैं, वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे और दम पे रखेंगे ताकि इसी के अंदर अच्छी तरह से आलू भी गल जाए। साथ में फ्रेश बीन भी अच्छी तरह से गल जाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।